गुरु गुरु नमस्कार गुरु मित्रों मैं, मैं, मैं तारणातांत्रिक स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल तंत्र मंत्र की दुनिया में अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन को दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद जिसके द्वारा आपको मेरे द्वारा अपलोडेड किए गए नए वीडियो की नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिल जाएगी तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बीज मंत्र के बारे में तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मंत्रों का कितने टाइप्स होते हैं तो मंत्र साधारण देखा जाए तो मंत्र तीन टाइप का होता है एक मंत्र होता है बीज मंत्र होता है और एक आंचलिक मंत्र होता है तो समझ में आ गया कि आपको ये बीज मंत्र क्या है आंचलिक मंत्र क्या है और पूर्ण मंत्र क्या है जैसे अगर हम महामृत्युंजय का मंत्र जाप करते हैं तो उसका महामृत्युंजय का पूर्ण मंत्र क्या है ओम पुष्टिवर्धनम त्रम्बकमेशन उर्बाधनारम मृत्यु ये क्या होगा ये महामृत्युंजय मंत्र हो गया लेकिन इसका जो बीज मंत्र यानी इसका जो छोटा मंत्र है उसका हम क्या कहते हैं ओम जुंसा। ओम जुमस ये क्या होगा ये उस मं... इतने बड़े मंत्र का इतने छोटे से एक संख्या में गया तो इसको हम कहते हैं बीज मंत्र तो एक पूर्ण मंत्र हो गया

एक एक प्रॉब्लम के लिए एक एक मंत्रों का सिर्फ उसका टाइप एक है लेकिन उसका जपने का तरीका उसका करने की विधि बस अलग अलग है इसको हम कहते हैं आंचलिक मंत्र यानी जो एक एक अंचल में विख्यात है या प्रख्यात है तो हम इसको आंचलिक मंत्र कहते हैं और हम पूर्ण मंत्र कैसे कहते हैं क्योंकि पूर्ण मंत्र हम उन्हीं को कहते हैं जो सारे धर, दुनिया में या पूरे ब्रह्मांड में हम जय भी चल, चले जाए ना क्यों उस मंत्र का उच्चारण वैसे ही होता है जैसे अब नवान मंत्र का बात कर रहा हूं मैं अगर नवान मंत्र का जैसे मैं महामृत्युंजय के मंत्र का उदाहरण दिया वैसे हम नवान मंत्र का भी एग्जाम्पल देंगे आपको कि आप नवान मंत्र दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ ना क्यों उसका जप तप विधि सब कुछ एक है तो समझ में आ गया आपको कि ये तीनों मंत्र क्या है आज हम लोग इस वीडियो में बात करने के बीज मंत्र के बारे में कि ये मंत्र का एक एक बीज मंत्र जो है जैसे आप लोगों के मन में प्रश्न है ऐसे बहुत सारे बीज मंत्र है तो ये एक एक बीज मंत्र का अर्थ क्या है आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको तीन तीन जो बीज मंत्र इसके बारे में मैं आपको पूरा का पूरा क्लियर करूंगा ऐसा है यानी एक दुर्गा का मंत्र एक लक्ष्मी का मंत्र और एक कृष्ण या कामदेव का मंत्र ये तीनों मंत्र के बारे में आज हम लोगों को मैं खुलासा करूंगा तो चलिए हम लोग पूरे कंप्यूटर स्क्रीन पे के ऊपर एक एक मंत्र को लिख के उसको विन्यास करके उसके पूरा विधि को हम समझाते हैं तो मित्रों हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं तो पहले समझ लीजिए हम पहले यहाँ पे ह्रींग लिखा है ह्रींग ह्रींग का अगर विन्यास करेंगे इसको तोड़ेंगे तो, तो कित क्या क्या लिखे आएगा हा आएगा रा आएगा, दीर्घ आएगा और चंद्रमा आएगा है ना तो यहाँ पे चार आते हैं हीर्घई और चंद्रमा तो ह का अर्थ क्या है र का अर्थ क्या है दीर्घ का अर्थ क्या है इसका हम पूरा जानेंगे तो ह यानी यानी शिव र रा यानी रामबेज़ यानी जो प्रकृति जो है हमारे और यंग यानी माँ दुर्गा महामाया जगत जननी और जो चंद्रमा के जो बिंदु है उसका अर्थ है कि हरण करना यानी दुख को हरे यानी हृंक जो मंत्र का इसका हम अर्थ निकलता है महादेव की शक्ति महामाया जगत जननी हमारे सारे दुख को हरण करो इसका हम एक ही जवाबों में उत्तर ले लिया वो है हृंक समझ के तो हृंकार का अर्थ हुआ कि महादेव की शक्ति और महामाया जगत जननी आप मुझे इस धरती की सारे दुख दर्द जो है वो सब हरण कर लो तुम्हें समझ गया आ गया आप लोग रिंग का अर्थ क्या है अब आते हैं श्रृंग के बारे में श्रृंग यानी आप लोग सभी जानते हो श्रृंग के अंदर जो है वो महालक्ष्मी का हम प्रणाम करते हैं यानी श्रृंग जो है महालक्ष्मी का बीज है तो इस श्रृंग का जो अर्थ है वो हम पहले जान लेते हैं हे परमेश्वरी महालक्ष्मी मेरे को धन और परम शांति प्रदान करे और उसके बाद हमारे जो सारे दुख दर्द जो है वो अब हरण कर लो तो हम पूरे इसके विन्यास में जाते हैं अगर हम स्त्री को विन्यास करेंगे तो हमें तीन अक्षर आएगा जैसे स र और कर इसके साथ आते हैं हमारे जो चंद्रमा चंद्रमा के अंदर आते बिंदु तो हम इसके यहाँ पे श का जो अर्थ है यानी श यानी महालक्ष्मी रह का अर्थ है यहाँ पे धन और दीर्घ यानी तुष्टि यानी जो हम परम दुर्गा की जो हम करते हैं यानी जो है प्रकृति के साथ महालक्ष्मी प्रकृति स्वरूप महालक्ष्मी आप हमको धन और परम शांति देके उन्नत करे अब आते हैं क्लीन के बारे में तो ये थोड़ा दुविधा की तरफ मंत्र है ये दो जगह पे ही अर्थ होता है अब जिस जगह पे जैसे इसका इस्तेमाल करता है ये हम संसारिक सुख समृद्धि हेतु संतान प्राप्ति सुख प्राप्ति दुख हरणकारी करी ऐश्वर्यशाली और प्रेमय की वीज मंत्र है तो क्लीन यहाँ पे जो मंत्र को जपा जाता है इसका हम अगर अर्थ निकालेंगे तो यहाँ पे क निकलेगा ल निकलेगा दीर्घ निकलेगा और अनिश्वर निकलेगा है ना? तो इसका एक एक अर्थ क्या है क का, का कामदेव या कृष्ण कृष्ण को भी एक तरह से कामदेवी बोला जा सकता है तो कृष्ण हो गया यानी लम यानी हमारे इंद्रिया इंद्रिय को बुझाया जा बुझाया गया है और ऐश्वर्यशाली है प्रतापी है तो ये इंद्र का बीज मंत्र हो गया इंद्र का मंत्र हो गया ल और दीर्घ यानी तुष्टि प्रदानकारी जो हम पहले ही इसको समझ चुके थे कि माँ दुर्गा की जो बीज मंत्र है तुष्टि करने और यानी जो सुख प्रदायकारी और दुख नाशिनी नीच के हलंत की तरफ है ऊपर बिंदु है तो इसका मतलब हुआ है कि ये हमारे सारे दुख को हरण कर ले तो इस मंत्र का पूरा अर्थ क्या आता है हे कृष्ण या हे कामदेव मेरे को संतोष सुख प्रदान करे और हमारे जो संतान सुख की जो है हम पूर्ति करें तो समझ गए आप लोगों को हृंक अर्थ क्या है श्रींक अर्थ क्या है क्लिंग का अर्थ क्या है अगर आप कोई भी मंत्र जपेंगे और अगर आप उसका अर्थ नहीं जानेंगे तो वो मंत्र जपना भी विफल होता है तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा है अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन आएगा उसको दबा दे नहीं तो मेरे द्वारा अपलोडेड किए गए ऐसे ही जानकार मंद वीडियो आप मिस कर जाओगे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो आज के लिए विदाई दीजिए जय माता रा जय मकाख्या